अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी, तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50-50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50-50% बंटवारा होगा। हालांकि इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा और भी एक गंभीर बात हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी तय ही नहीं हुआ। इससे हमारे पक्ष प्रमुख के ऊपर एक अलग सा विश्वासार्थ निर्माण जो बात होती है दोनों में सामंजस्य की, विश्वास की, मित्रता की, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। और ठाकरे परिवार आप जानते हो जो जवान देते हैं तो 100% उस जवान को संभालते हैं। अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहां नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। ऐसे वातावरण में मैं यहाँ ये पदभार कारोबार करूं ये उचित नहीं लगता, नैतिकता से भी सही नहीं लगता। इसलिए मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास मेरा इस्तीफा, मेरा त्याग पत्र सौंप दिया है।